तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक और नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या सामान घर से लेकर आना है और क्या आप वहां पर आकर ले सकते हो जो आपके काम आएगा बाद में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो जो VIT ज्वाइन करने वाले हैं या फिर कोई और कैंपस भी ज्वाइन कर रहे हैं, किसी और हॉस्टल में जा रहे हैं तो उनके लिए भी काम आएगी क्योंकि लिस्ट सेम रहती है लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं आपको वर्बली बताऊंगा जो आपको PDF में नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखना, कहीं आप कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट मिस ना कर दो। तो इसलिए और मैं आपको ये बात बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको लानी है प्लस क्या चीज़ आपको नहीं लानी, क्योंकि वो चीज़ अगर लाए तो शायद आपके वो चीज़ वो ले लेंगे हॉस्टल वाले या फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ, चलो साथ में बताते हुए चलता हूँ। तो जल्दी से अपनी वीडियो छोटी कर लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी PDF आपके सामने। तो इसमें मैंने हॉस्टल एसेंशियल्स की एक PDF बना ली है और शुरू में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लोथिंग की, बॉयज़ के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो 4 to 6 आप जीन्स ले आना है या फिर ट्राउजर्स जो आपको अच्छी लगती हो, जो आप पहन सकते हो। वैसे मैं बोलूँगा कि ट्राउजर्स ज़्यादा सही रहेंगे क्योंकि जीन्स कुछ लेके आना, ट्राउजर्स भी लेके आना साथ में क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो जीन्स का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है तो दिक्कत होगी थोड़ी गर्मियों में। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो आराम से चला जाएगा बट सेकेंड वाला जो होगा उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो चलिए बात करते हैं आगे। और 2-3 शॉर्ट्स ले आना आप साथ में जो आपको रात को काम आएंगे या फिर छुट्टी वाले दिन काम आएंगे। फिर 6 शर्ट्स ले आना, मैं बोलूँगा हाँ शर्ट्स थोड़ा ज़्यादा लेके आना अगर आप कैंपस के टाइम में मीन्स क्लासेस के टाइम में अगर शर्ट्स पहनना प्रेफर करोगे तो आप थोड़ा एक दो शर्ट्स और लेके आना साथ में, क्योंकि क्या होता है कि लॉन्ड्री में जब कपड़े देते हैं तो जब कभी कभी भीड़ हो जाती है बाद में ज़्यादा वहाँ पे, तो एक हफ्ते से ज़्यादा लग जाता है टाइम कपड़े वॉश होने में। इसलिए मैं बोलूँगा कि या मिनिमम 6 लेके आना, हो सके तो 1 या 2 एक्स्ट्रा लेके आना, ठीक है। 7 शर्ट्स टी शर्ट्स ले आना अपने साथ में, 2 स्पोर्ट्स वेयर ले आना एंड 7 अंडर गारमेंट्स, 1 फॉर्मल वेयर भी ले आना मीन्स शर्ट और फॉर्मल पेंट। फिर 1 एथनिक वेयर या ट्रेडिशनल वेयर भी ले आना साथ में जो कि आपके इवेंट्स होंगे कभी कभी तो उसमें काम आएंगे, ठीक है। 3 पेयर ऑफ शूज़ ले आना जिसमें आप 2 कैजुअल ले आना और 1 फॉर्मल ले आना। फिर 7 पेयर ऑफ सॉक्स ले आना एंड 1 पेयर ऑफ स्लीपर्स ले आना, 1 ही लेके आना, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिए, या आप 2 भी लेके आ सकते हो रेगुलर या फिर वॉशरूम के लिए 2 अलग अलग। फिर बात करते हैं 1 पेयर ऑफ सैंडल या फिर 1 पेयर ऑफ क्रॉक्स ले आना जो आपको पसंद आए। फिर अभी यहाँ पे गर्ल्स की बात कर लें तो गर्ल्स के लिए 6 टॉप्स या 6 कुर्तीज़ ले आना साथ में एंड 6 लेगिंग्स या जीन्स या फिर साथ में 2 शर्ट्स, 4 जीन्स या फिर 5 नाइट सूट्स, 1 साड़ी या ट्रेडिशनल वेयर जो कि आपको इवेंट्स में काम आएगी मैंने बताया जैसे, तो और 1 फॉर्मल वेयर ले आना और 3 स्पोर्ट्स वेयर ले आना, 7 अंडर गारमेंट्स एंड 1 पेयर ऑफ सॉक्स ले आना, 3 पेयर ऑफ शूज़ ले आना जिसमें 1 फॉर्मल 1 कैजुअल और 1 स्पोर्ट्स लेके आना अगर आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो या स्पोर्ट्स खेलते हो तो, 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स ले आना रेगुलर या फिर वॉशरूम के लिए अलग अलग, फिर 2 पेयर ऑफ हील्स ले आना, ठीक है ये ज़रूर कर देना कोई चैनल पे नया आए तो। फिर अभी कॉमन आइटम्स बात कर लेते हैं जो कि दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए होंगी, जैसे कि 1 हुडी, 1 स्वेटशर्ट या 1 स्वेटर। एक ही इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है, मतलब गर्मी ही पड़ती है, ठंड नहीं पड़ती है इसलिए, सॉरी माफ़ करना, ठंड नहीं पड़ती है गर्मी पड़ती है इसलिए। और मैं आपको एक भी इसलिए बोलता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उस टाइम पे काम आती है, वरना स्वेटशर्ट या स्वेटर का कोई काम नहीं है वहाँ पे जब तक आपको कोई फीवर नहीं है या फिर कोई बुखार नहीं है तो। 1 बेल्ट ले आना साथ में, 1 वॉच ले आना और चश्मा ले आना अगर आप लोग पहनते हो तो जिस तरह का भी हो। फिर 1 गॉगल्स ले आना साथ में धूप से बचना हो किसी को तो। फिर हैंडकरचीफ ले आना और 1 कॉलेज बैग ले आना जो कि मस्ट है। और फिर 1 अम्ब्रेला ज़रूर लेके आ जाना क्योंकि ये आपको दोनों टाइम में बचाएगा, धूप से बचाएगा और आपको रेनी सीजन में भी बचाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको रेनी सीजन मिलेगा, सेकेंड में आपको धूप मिलेगी, तो दोनों में आपको काम आएगा। अभी बात कर लेते हैं रूम और हॉस्टल यूटिलिटी के बारे में। तो मेट्रेस आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा, आप चाहो तो बाहर से भी ले सकते हो। ये जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंपस मिल जाएगा वो आप बाहर से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप लेके आ सकते हो बाहर से आते समय या फिर बाद में जाके ले लेना, ठीक है। 1 पिलो और 3 बेडशीट्स एंड पिलो कवर, 3 या 2 जो आपको सही लगे।
फिर टू बकेट्स मीन्स एक एक नहाने के लिए और एक कपड़े धोने के लिए, अगर आप खुद भी कपड़े धोने चाहते हो, मतलब धोने तो पड़ेंगे क्योंकि। फिर एक एक सो बॉक्स ले आना, एक मग ले आना, और लॉक ले आना अपना, क्योंकि अभी क्या है कि MH4 MH5 में दूसरे टाइप के लॉक लॉक हैं कबर्ड के और रूम के, इसलिए एक रूम के लिए और एक कबर्ड के लिए लॉक ले आना अपने साथ में, भूलना मत। फिर हैंगर्स ले आना कपड़े टांगने के लिए, और क्लोथ सुखाने के लिए रोप ले आना, और क्लिप्स ले आना चिमटी जो आपके काम आएगी कपड़ों को रोप के ऊपर रखने के लिए। फिर डोरमेट ले आना अगर आपको लाना चाहो तो, क्योंकि हॉस्टल प्रोवाइड तो करेगा डोरमेट बट इतना अच्छा नहीं होगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा कि अगर आप लाना चाहते हो या ला सकते हो तो लेके आ जाना अपने साथ में, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एक रूम फ्रेशनर ले आना भाई, ये भी काम आता है। लॉन्ड्री लॉन्ड्री की बात कर ली, मीन्स आपको क्या होता है कि अंडरगारमेंट्स वगैरह सॉक्स वगैरह खुद धोने पड़ते हैं, हैंडकरचीफ वगैरह, बाकी आप शर्ट और जीन्स तो नीचे धुलवा लोगे लॉन्ड्री में। बाकी जो आपको खुद धोना है उसके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग बार ले आना, या वॉशिंग लिक्विड जो आप पसंद करते हो यूज़ करना। फिर एक ब्रश ले आना और लिक्विड फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बर्तन धोने में भाई आपको, आप बर्तन ला रहे हो साथ में कुछ खाने पीने के लिए लाओगे तो साथ में बर्तन भी लाओगे कि उसमें डाल के खा सको, इसलिए बर्तन धोने के लिए भी आप वॉशिंग लिक्विड ले आना। फिर एक लॉन्ड्री बैग ले आना, क्योंकि लॉन्ड्री बैग नहीं होगा तो आपके कपड़े वो लेंगे नहीं नीचे धोने के लिए, लॉन्ड्री बैग मस्ट है। तो मैं बोलूँगा पहले से लेके आना या फिर ऑर्डर कर लो अभी, या बाद में आके ऑर्डर कर लेना अमेज़ॉन से, क्योंकि बाद में अगर वो देंगे तो उनका क्या है कि 100 रुपये का एक लॉन्ड्री बैग है छोटा, धोबी का नाम का, ब्लू कलर का छोटा सा, जो कि इतना अच्छा भी नहीं है क्वालिटी में, मीन्स क्वालिटी थोड़ी वीक है, मीन्स जल्दी फट जाएगा वो, इसलिए बोलूँगा कि अपना साथ में लेके आना या बाद में आके ऑर्डर कर लेना। फिर फूड आइटम्स, रात को अगर भूख लग जाती है कभी कभी तो आपको काम आएंगे, स्नैक्स ले आना साथ में, स्वीट्स लेना अगर स्वीट्स खाने पसंद करते हो तो, और स्पून एंड फॉक ले आना अपने साथ में क्योंकि आपको काम आएगी वो खाने के लिए। फिर प्लेट या बाउल ले आना साथ में, एक ग्लास ले आना, बोलो मैं प्रेफर करूँगा कि ग्लास कांच वाला या सिरेमिक वाला मत लेके आना, स्टील वाला लेके आना हो सके तो अगर आपके पास हो तो, क्योंकि वो गिरेगा तो टूटने का डर नहीं रहेगा, बाकी में गिरने के बाद टूटने का डर रहता है इसलिए। फिर पिकल ले आना क्योंकि ये बहुत बार काम आएगा, लाइफ सेवियर बन जाता है कभी कभी, बेस्ट में खाना अच्छा नहीं है तो पिकल काम आएगा, इसलिए पिकल ले आना। इस बार मैं भी शायद लेके जाऊंगा अपने घर से, पिछली बार मैंने एक 1 ईयर यूज़ नहीं किया, तो पिकल ले जाना साथ में। फिर कप ले जाना, मीन्स कभी दूध पीना हो नीचे मेस से तो अपने कप में डाल के पी सकते हो। प्लेट्स ले जाना साथ में। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप ले जा सकते हो, लैपटॉप अपना साथ में, चार्जर, और अब जो दोनों चीज़ें लेके जा रहे हो तो चार्जर तो मस्ट है, स्मार्टफोन मैं भूल गया गलती से चार्जर बोल दिया, ठीक है। हेडफोन ले जाना या हेड ईयरफोन या ईयरबड्स जो आप यूज़ करते हो वो ले जाना साथ में। एक पावर बैंक ले जाना कभी कभी फ़ोन के लिए काम आ जाता है। फिर हेयर ड्रायर ले जाना और एक ट्रिमर ले जाना, ठीक है। बात कर लेते हैं स्टेशनरी आइटम्स की, तो यहाँ पे 6 नोटबुक्स ले जाना पहले, मीन्स मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा लेके जाने के लिए क्योंकि नोट्स तो हम लोग बनाते ही नहीं है ज़्यादातर लोग, बाकी अगर आपको नोट्स बनाने हैं, सोचता था हर कोई वैसे, अगर आपको बनाने हैं, अगर आप अपने आइडिया के ऊपर फिक्स हो तो आप लेके जा सकते हो ज़्यादा भी, बट मैं बोलूँगा कि ज़्यादा लगेज बढ़ जाएगा इसलिए पहले 6 ही ले जाना, बाद में बाकी बाद में मंगा लेना ऑनलाइन। पेंस ले जाना साथ में, ये भी बोलूँगा कि 10 पेन मीन्स मैक्सिमम रहेंगे एक सेमेस्टर के लिए, ज़्यादा नहीं लगेंगे, नोट्स तो बनाते ही नहीं है बच्चे इसलिए मैंने बताया आपको। फिर पेंसिल ले जाना, इरेजर ले जाना, शार्पनर ले जाना, ये कभी कभी मार्जिन ड्रॉ करने में काम आते हैं एग्ज़ाम देने के टाइम में, मार्जिन ड्रॉ करने पे पेपर के लिए या फिर कोई डायग्राम बनाना है इसलिए, और हाँ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक जब लिखेंगे ना एक्सपेरिमेंट वाली वो लैब में उस टाइम पे भी ये काम आते हैं इसलिए ले जाना साथ में। हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, ग्राफ पेपर ले जाना अपने साथ में अगर आप ले जाना चाहते हो तो, मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, ग्राफ पेपर ले जाना साथ में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आई है, समझ लेना। फिर साथ में सीजर्स ले जाना, 1 पैक ऑफ A4 साइज शीट्स ले जाना साथ में, जो कि प्रिंटिंग वाली शीट होती है ना सफ़ेद रंग की, दोनों साइड ब्लैंक वाली, वो आपके काम आएंगी असाइनमेंट्स वगैरह करने के लिए, तो वो ले जाना साथ में। स्टेपलर ले जाना, पेपर क्लिप्स ले जाना, रबड़ बैंड्स, स्केच पेंस, कलर पेंस, सेलो टेप और मार्कर पेन। और अगर आपको ड्राइंग का शौक है, अगर आप ड्राइंग करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप अपना देख लेना किस तरह के आपको पेन पेंस और पेंट्स चाहिए, वो साथ में ले जाना।
फिर अभी एसेसरीज की बात कर लेते हैं, तो नेल कटर ले जाना साथ में, ईयरबड्स ले जाना कान साफ करने के लिए, टू वाटर बॉटल्स ले जाना। टू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आपका काम आएगा हॉस्टल में, जो आपको बड़ी बड़ी काम आएगी, मीन्स 2 लीटर वाली या 3 लीटर्स वाली आप ले सकते हैं हॉस्टल के लिए, क्योंकि ज़्यादा बार बार जाके भरना नहीं पड़ेगा आपको। और फिर क्लासेस के लिए आप एक छोटी वाली ले जा सकते हैं, या फिर या तो 500 ml वाली या फिर 1 लीटर वाली, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक कॉम और एक हेयर ऑयल ले जाना साथ में, छोटा ही वो लेके जाना बॉटल। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे हेयर एसेसरीज फॉर वुमेन, जो आपको अच्छा लगे जो आप यूज़ करते हो वो ले जाना, मेरे को ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में। फिर मेडिसिन बॉक्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ चीज़ लाओ या ना लाओ ये ज़रूर लेके जाना, क्योंकि रात को एकदम से जब मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको भागना पड़ेगा वेलनेस रूम के तरफ। तो मैं बोलूँगा कि पहले ये अपना लेके आना, अगर आपके पास होगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर टिश्यू पेपर लेके आना साथ में, और एक क्लोथ लेके आ जाना डस्टिंग वस्टिंग के लिए, अगर आप डस्टिंग करते हो या आपको सफाई पसंद है तो, बहुत से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक ऑल आउट ले आना साथ में, या फिर गुड नाइट वगैरह मॉस्किटोज़ के लिए। और एक सनस्क्रीन ले आना, सनस्क्रीन का वैसे तो कोई यूज़ इफ़ेक्ट नहीं होता है, गर्मी और धूप की वजह से लोग वैसे भी हो जाते हैं, स्किन टैन हो जाती है, बट अगर आप लाना चाहो तो सनस्क्रीन लेके आ सकते हो। फिर टॉयलेट्रीज की बात कर ले तो 2 टॉवल लेके आ जाना साथ में, एंड 2 टूथब्रश लेके आ जाना, 1 हैंड वॉश लेके आ जाना, एंड एक हैंड सैनिटाइजर लेके आ जाना, एक टंग क्लीनर लेके आ जाना, 1 टूथपेस्ट लेके आ जाना, सोप लेके आ जाना, और या फिर शावर जेल जो आप यूज़ करते हो। फिर मॉइस्चराइज़र एंड कंडीशनर लेके आ जाना, लिप बाम लेके आ जाना, शैम्पू एंड कंडीशनर लेके आ जाना, या फिर 2-in-1 आता है जो वो शैम्पू एंड कंडीशनर प्लस वाली बॉटल वो लेके आ सकते हो। फिर हेयर जेल या हेयर वैक्स जो आप यूज़ करते हो, परफ्यूम लेके आ जाना, टेलकम पाउडर अगर कोई यूज़ करना चाहे तो, एंड कोई ब्यूटी प्रोडक्ट या लोशन वगैरह कोई यूज़ करता है या कोई गर्ल्स के लिए यूज़ करना चाहता है तो। सनस्क्रीन मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पे, तो देख लेना अगर कोई लाना चाहता है तो। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा था, भैया ये ला सकते हैं नहीं ला सकते, तो हाँ भैया आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मेरे को एक ही याद आया, मेरे को बच्चों ने भी एक ही पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, गिटार ही लिखा है। बट अगर आप कोई और इंस्ट्रूमेंट पूछना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, तबला वबला मत लेके आना प्लीज़, कोई तबला बजाता है तो वो आपको यहीं पे मिल जाएगा अगर होगा तो। गिटार लेके आ सकते हो आप अपना। और फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्रिकेट बैट क्रिकेट बॉल लेके आ जाना साथ में, या फिर क्रिकेट किट लेके आ जाना, बैडमिंटन लेके आ जाना, बास्केटबॉल लेके आ जाना, वॉलीबॉल लेके आ जाना, और फुटबॉल लेके आ जाना। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि आप जो सामान आपको नहीं लेके आना है, क्योंकि अगर आप वो सामान लेकर आ गए तो आपको दिक्कत होगी और हो सकता है कि सस्पेंशन भी हो जाए या फिर रिस्टिकेट हो जाए। तो आयरन बॉक्स मिल गया, अगर आयरन बॉक्स हॉस्टल में अलाउड नहीं होता है, अगर आपको आयरन बॉक्स चाहिए तो आप नीचे से ले सकते हो गार्ड से, वो आपको दे देंगे कुछ टाइम के लिए, इशू कर देंगे आपके लिए। बट अगर आप दूसरा ऑप्शन भी है कि आप अगर छोटा धोबी, वहाँ पे जो लॉन्ड्री सिस्टम है छोटा धोबी से अगर आप करवाना चाहते हो तो वो भी करके दे देंगे आपको आयरन, मीन्स 8 रुपी पर क्लोथ लगता है वहाँ पे बट चार्ज, तो जो कि बहुत ज़्यादा होता है। बट कुछ बच्चे होते हैं कि बाद में फिर आयरन बॉक्स रख लेते हैं साथ में, उसमें इशू कुछ नहीं है, बस जब भी हॉस्टल वार्डन आपके कमरे में आएंगे चेकिंग करने के लिए तब वो आयरन बॉक्स उठा के लेके चले जाएंगे, बाकी कोई इशू नहीं होगा, वो लेके चले जाएंगे और फिर आपको या तो हॉस्टल वेकेट करने के टाइम मिलेगा या फिर 4 साल बाद मिलेगा डिग्री कंप्लीट करने के बाद। फिर लिकर या ड्रग्स, ये तो मैं बोलूँगा भाई बिल्कुल मत लेके आना, क्योंकि अगर ये करना है तो मैं भी बोलूँगा LPO या CU चले जाओ, क्योंकि ये अगर मिल गया तो सीधा सस्पेंशन का लेटर आएगा आपके पास, या फिर 1 सेमेस्टर का बैकलॉग लग जाएगा, ठीक है। और फिर केटल तो अगर आपके पास मिल गया तो वो भी वार्डन लेके चले जाएंगे, मैंने जैसे बताया, स्पीकर्स और एक्सटेंशन बोर्ड, ये तीनों चीज़ें भी अगर आपके पास मिल गए तो ये वार्डन सर लेके चले जाएंगे, एंड सेम इज द केस विद गर्ल्स ऑल्सो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको सब कुछ पता चल गया होगा जो जो आपको लेकर आना है और क्या आपको नहीं लेकर आना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो जो हॉस्टल्स में जाने वाले हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है। और बाकी नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं अपने साथ में, लाइक एफिडेविट्स या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो आपको हॉस्टल रिपोर्ट करने से पहले लेकर आने हैं। तो टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।